फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फिल्मोरा के किसी वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं और अचानक से फिल्मोरा क्रैश हो जाती है और आपकी घंटों की मेहनत बर्बाद हो जाती है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस प्रोजेक्ट को कैसे रिकवर कर सकते हैं जिस पे आप पहले से वर्क कर रहे थे और फिल्मोरा के क्रैश होने के कारण वो उस प्रोजेक्ट को आप लॉस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, तभी आप अपने प्रोजेक्ट को रिकवर कर पाएंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोनू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन टेक में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ, देन मैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। जब आपका फाइल क्रैश होगा तो उस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में वो प्रोजेक्ट नहीं दिखेगी। ओके, देन आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जाना है फाइल, यहाँ से आपको फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे से थर्ड नंबर पे जाना है प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जाना है सेव वाले ऑप्शन में। ठीक है, सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे थे उसकी बैकअप फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैकअप माई प्रोजेक्ट एवरी, यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पे 5 मिनट पे सेट रहता है, यानी कि आपका फाइल को हर एक 5-5 मिनट पे बैकअप करके रखा जाता है कि फ्यूचर में अगर आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो तो आप इसे यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। देन डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लोकेशन आपको ये मिल जाएगा और बैकअप का लोकेशन आपको बैकअप वाले फोल्डर में, यहाँ से आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो इसकी लोकेशन आपको यहाँ दिख जाएगा, बट यहाँ से आपको वो फाइल नहीं शो होगी। तो आपको यहाँ सिंपली इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर में आपको वो लिंक पेस्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। देन आप देख सकते हैं कि लास्ट प्रोजेक्ट यानी कि आपके फिल्मोरा के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा आपका लेटेस्ट जो क्रैश्ड प्रोजेक्ट है वो आपको टाइम और डेट से पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप सॉर्ट बाय डेट एंड टाइम पे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप उसे सॉर्ट बाय डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देते हैं, डेट मॉडिफाइड, जो आपका लास्ट प्रोजेक्ट होगा वो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। तो यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। देन आपको इसे क्लोज कर देना है और आप देख सकते हैं वो प्रोजेक्ट रिकवर हो चुकी है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क करें तो सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट को किसी प्रॉपर लोकेशन पे सेव ज़रूर कर लें, और जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे वर्क करते जाते आगे बढ़ते जाते हो आप कंट्रोल एस करके उसे अपडेट करते रहें तो आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। सो मैं दोनों तरीका बता दिया हूँ आपको, आपको जो सही लगे इसमें से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।